तो आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकता है। तो इस वीडियो को हम लोग एक सीरीज बनाने वाले हैं। हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा ओवरलोड ना हो और अच्छे से हम लोग को चीज़ें समझ में आए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, टेबल ए 10, 20, 30 है, टेबल बी में 15, 30, 45 है। हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो टेबल ए में है लेकिन टेबल बी में नहीं है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है हम लोग सोचेंगे कॉमन रिकॉर्ड्स तो हमें मिल जाता है ज्वाइन करके। अगर टेबल ए में सारे चाहिए, बी में नहीं चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, यूनियन, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अनकॉमन जो मैच नहीं कर रहा है वो हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए एक चीज़ जो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है वो है माइनस। तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए। जैसे हम लोग यूनियन करते हैं, यूनियन के बदले अगर हम लोग माइनस लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी, तो इजीली हमें मिल जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत लोग ये पूछते हैं ये जानने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और ईमेल है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एम्प्लॉय आई डी 10 और एम्प्लॉय आई डी 30 का नेम और ईमेल सेम है, तो ये हमें कैसे मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय का सेम नेम है और सेम ईमेल आईडी है वो हमें चाहिए। ऐसे भी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, नेम विप्लव, विप्लव@gmail.com पहली बार आया, ठीक है, टू में नहीं है, ठीक है, जिसका आईडी 30 है वो क्या हुआ, दूसरी बार आया। तो बेसिकली हम लोग मन में भी क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि कितनी बार एक चीज़ रिपीट हुआ है। तो सेम चीज़ हम लोग को क्वेरी में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट, हमें क्या करना है, नेम और ईमेल चाहिए। तो ग्रुप बाई में आपको पता है ग्रुप बाई में क्या डालना है, नेम और ईमेल। सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या डालना है, नेम और ईमेल। और हमें क्या करना है, काउंट करना है, काउंट ऑफ क्या, काउंट ऑफ स्टार। और देखना है जो भी काउंट ग्रेटर देन 1 है वो हमें प्रिंट करना है। तो हमें पता है काउंट हम लोग का एग्रीगेट फंक्शन है, तो उसे हम लोग वेयर के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, हैविंग के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया क्वेरी, सिलेक्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम ईमेल ग्रुप बाय नेम ईमेल हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल डेवलपर में जाके क्वेरी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। आपको मैं वीडियो के लिंक्स दे दूंगा, नहीं तो आप जाके टॉप 50, टॉप 30 जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो लिंक पे जाओ, आपको बहुत डिटेल में समझाया है तो वो देख सकता है। यहाँ पे जस्ट हम लोग रिवाइज टाइप का कर रहे हैं और ज़्यादा डीपली नहीं घुसेंगे, देखेंगे कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर है कि नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन का आंसर क्वेरी लिखना बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू फाइंड 10 एम्प्लॉयज विथ ऑड नंबर एज एम्प्लॉय आई डी। ऑड नंबर का हम लोग का ऑलरेडी किया हुआ है और 10 एम्प्लॉयज़ का हम लोगों ने पहले से किया हुआ है, लेकिन दो क्वेरी को कैसे मिलाएंगे वो देखना है। सिंपल, ऑड नंबर को क्या है, ऑड नंबर कैसे निकलता है, जो जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड हो गया, तो डिविजिबल के लिए क्या, मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर कैसे कर सकता है, आई डी परसेंटेज 2। सो सिलेक्ट आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आई डी परसेंटेज 2 इक्वल टू 1, या फिर नॉट इक्वल टू 0 भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और 10 एम्प्लॉयज़ कैसे करना है, रो नम लेस देन 11। बढ़िया। नेक्स्ट है एसक्यूएल क्वेरी टू गेट द क्वार्टर फ्रॉम डेट। तो ये हम लोग ने पहले डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, क्वार्टर, ईयर, वीक, बहुत कुछ, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो तो इसीलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऊपर, आप जाके वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो दूसरे दूसरे ऑप्शंस के लिए। यहाँ पे कैसे करना है, नॉर्मल डेट है सपोज 2016 31 मार्च, तो उसे हम लोग को पहले डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए 2_date, उसके बाद उसका क्वार्टर निकालने के लिए क्या, 2char फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट 2char और क्यू, ऑप्शन जो यूज़ करना है वो क्यू है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डीनॉर्मलाइजिंग द डेटा। तो हम लोग ने नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है, वीडियो में ऊपर दे रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन डीनॉर्मलाइजेशन अगर आपको पता नहीं हो वो देखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी है एसक्यूएल इंटरव्यू में तो वो नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन है। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, यूजेस क्या है वो हमें पता है, लेकिन डीनॉर्मलाइज क्यों करता है, हमने तो आज तक देखा है कि नॉर्मलाइज करता है, तो डीनॉर्मलाइज करने का भी
क्या यूज है, हम लोग ने डिस्कस किया था क्या है वो। अगर हम लोग का सारे नॉर्मल इस फॉर्म में है तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे टेबल्स में डेटा रहेंगे। तो अगर हम लोग को डेटा फ्रिक्वेंटली रिट्रीव करना है तो हम लोग को सपोज मल्टीपल टेबल्स है, मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करो, क्वेरी कॉम्प्लेक्स होगा, ज्वाइन करो और रिट्रीवल के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग को फ्रिक्वेंट, जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जिसमें से हम लोग को कुछ एनालिसिस करना है, रिकॉर्ड निकालना है, तो अगर वो एक सिंगल टेबल में रहेगा क्वेरी भी इजी रहेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो ये होता है रीजन डीनॉर्मलाइजेशन का। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, लोग नॉर्मलाइजेशन पे फोकस करते हैं और भूल जाते हैं कि डीनॉर्मलाइजेशन का यूज़ क्या होता है, और वो बोल देता है डीनॉर्मलाइजेशन का यूज़ ही नहीं है कुछ। लेकिन ये भी फायदा है, जो हम लोगों ने देखा था OLAP और OLTP क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। तो ये है इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक इससे आप अच्छे से समझिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इंडिविजुअल वीडियोस देखिए। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वो समझाने के लिए।